The Daily Show with Munir Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक बार फिर से इंतखाबी अमल तो शुरू हुआ, लेकिन सिंध की अगर बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर से मुलतवी कर दिए गए। जो कुछ बारिशों के बाद तबाहकारियाँ हुई, जो कुछ सिंध की बिलखसूस कराची हैदराबाद की सड़कों की जो हालात हैं, जो मंजर ये पेश कर रही हैं, इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का एक बार फिर से मुलतवी हो जाना यकीन तौर पर एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा करेगा। इसी हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेयर कराची के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि ये जो इंतखाबी अमल बार बार मुलतवी हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है और ये अमल मुलतवी होने से आम आवाम को क्या असरात मुरतब होंगे। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम तो खैरियत से नहीं है, यहाँ की सड़कें तो खैरियत से नहीं है। सर सर देखिए, ये जो आपकी मुशाहिदा है, मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, बॉर्न इन कराची हूँ जी। इसके जिम्मेदार बुनियादी तौर पे कराची की दुश्मन जमात है और वो कराची की दुश्मन जमात का नाम आता 15 साल से ईंट पे ईंट बजा के रख दी है शहरी इलाकों की। इतना पैसा है पता नहीं कहाँ लुटाया, लड़काना ले ले, चक्कर ले ले, हैदराबाद ले ले, कराची ले ले, सुबह सिंध का कोई शहर काबिले दीद नहीं रहा। हर शहर नोहा हाम और किसी शहर को ना मिसाली शहर कहा जा सकता है। उफ, इस बात पे है कि आज जो बंद एक जमाने में शहरुल बलाद कहलाता था, रोशनियों पे शहर कहलाता था, वो जब रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट और निबंधित इंडेक्स ऑफ सिटीज आती है तो कराची जो है दुनिया के बदतरीन शहर में शुमार होता है। इससे बदतर शहर में एक रब्बू तो इसका रोना के पीछे वो सब लोग हैं जो एक शहर के हाकिम रहे, सिंध हुकूमत और वो मेयर हजरात, तीन दफा जमात इस्लामी, तीन दफा एमपीए। तो 24 से 27 साल इन दो जमातों ने इस शहर के न्याय और इसके इदारे संभाल दिए और यही वजह है कि आज इस शहर का हालत इदार ही है। और ये हालत इदार हमें तो हैसियत एक सियासी जमात ये रोज बरोज ये जाहिर कर रही है कि जो इसके माजी मिलर है वो कितने नालायक है और इन्हीं ने शहर के साथ क्या क्या व्यक्ति की है। ना इस शहर के पास सड़कें सही है, ना कूड़ा उठाने का निजाम है, ना स्ट्रॉन्ग वाटर डेट है, ना सीवरेज सिस्टम है। इस शहर की कोई गलती भी नहीं है, हर चीज के लिए अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इस शहर के पास अब शायद वसाई भी नहीं कि ये अपने आप को दुरुस्त कर ले। इसको दुरुस्त ले जाने के लिए एक न्याय की काबिल तैयार चाहिए, एक बहुत ही कमिटेड लोग चाहिए, न्याय ईमानदार लोग चाहिए और तभी इस शहर की सिर्फ दुरुस्त हो सकती है। लेकिन फिरदौस साहब, ये ईमानदार क्यादत, काबिल क्यादत का खाव किसी भी पार्टी की हो, जो भी लोग फैसला करें, वो तो उसी सूरत में आएगी जब इलेक्शन का प्रोसेस होगा। यहाँ तो इलेक्शंस मुलतवी दर मुलतवी दर मुलतवी होते नजर आते हैं, ये क्या वजह है सर कि इलेक्शंस ही नहीं हो पा रहे हम हमारे मुल्क में? देखिए बात सारी है, माजी की जितनी हुकूमतें रही उन्होंने बहाने तराश दी रही। कराची का जो 2019 में खत्म हुआ था, कहेंगे 2015 से 2019 20 तक खींच लिया, 2.5 साल तो इसको भी हो गया जी। बात यह है जिस तरह कानून में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लिए लिखा गया है कि टेन्योर के खत्म होने के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो रहे, ये कानूनी तहफ्फुज़ बल्दियाती निजाम को दे दिया गया। ये है सबसे बड़ी वजह के लोकल बॉडी पे इलेक्शन नहीं होते। और फिरदौस साहब, ये जो कराची में हम देख रहे हैं अरसा दराज से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नजर आता है, सियासी जमातें उस तरीके से किरदार नहीं अदा कर पाती, एडहॉक बेसिस पे तकरारियां हो जाती हैं,
क्या ये एक बड़ा मसला है कि कराची में जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है, हैदराबाद की अगर हम बात करें, सड़कें से लेकर तमाम यूटिलिटीज की बात करें, तो अब तर हालत है इसकी, सर ये कोई इसका हल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा? ये इसका मैंने हल आपको बताया, आर्टिकल 148 के तहत ऐसा कानून जो बलदियाती निजाम को पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर करे, पहली चीज। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस पे आ चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत और ये पापा फुको पार्टी, कराची दुश्मन जमात, सिंध दुश्मन जमात इस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आयु में दुरुस्त भी नहीं करें। तो फिरदौस साहब, अब ये जो तो ये तो सूरत हाल था सारी वैसे जा रही है कि शायद ये मजीद लिंगर ऑन होता चला जाए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि NA 245 के जो इंतखाबी नतीजे आए, शायद इसके भी असरात हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनको मुलतवी किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ खबरें हैं या इसके पीछे भी कोई बात है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि मुखरात छा चुकी है, ये इंपोर्टेड हुकूमत के जितने लोग हैं इनमें मुखरात आ चुकी है। इंपोर्टेड हुकूमत के जैसे कहते हैं ना, हाथों में से तोते हो गए। वो ये सोचते भी थे कि जिस तरह वो पंजाब में हारे और उसके बाद कराची में, ये सारी जमातों का नतीजा एक जगह जमा कर ले, जितने वोट पड़े इन सबको मिलकर भी उससे कम पड़े, इनके लिए इतनी परेशान कौन हो गई। उनको ये वादे तौर पे नजर आ रहा है कि कराची और हैदराबाद का अगला मेयर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, और ये जो इनके पार्टनर इन क्राइम एनक्लेव है उसको तो इतनी सूरत भी दोबारा नहीं, जिसे कि उन्हीं ने दोबारा इस दुश्मन जमात के साथ हिला हाथ मिला के ये साबित कर दिया कि ये लोग अपने मूल बैंक के साथ भारत कर रहे थे। उस मूल बैंक ने अभी इनको रिजेक्ट कर दिया, इसे कि वो कहते हैं मेरे बैंक सुनो। ठीक हो गया फिरदौस साहब, यकीन तौर पे बड़ा इस वक्त कराची वालों के परेशान कुल सूरत हाल है, और आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने जो तमाम तर सूरत हाल पे गुफ्तगू की और तमाम सूरत हाल को वाजे भी किया, क्योंकि अगर कराची में इलेक्शंस ना हो और कराची में हैदराबाद की बात की जाए, सखर की बात की जाए, ये बड़े शहर है सिंध के, और इन शहरों की जो हालात है, जो सूरत हाल है, कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। अगर ख़ासतौर पर मैं सिर्फ कराची, हैदराबाद और सखर की बात करूँ, तो इस इन तीनों शहरों में शायद ही कोई ऐसी सड़क नजर आए जो साबित हो, जो कि मुकम्मल तौर पे दौरे जदीद के तकाजों के तौर पे बनती बनी हुई नज़र आए, इसमें तमाम तरह सहूलियात हों, वहाँ पे नकासी आपका एक मुकम्मल निज़ाम हो, और ये तो मेरे ख्याल से इस वक्त ख्वाब नज़र आता है। अगर ये कहा जाए कि कराची, हैदराबाद, सखर की बेशतर सड़कें, या ये कहा जाए कि एक 80 से 90% सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, तो गलत ना होगा। इस वक्त अंडरपासेस की बात करें, पुलों की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, बैराजेस की बात करें, हर जगह पे सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। आम तौर पे ये सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से, नुमाइंदों का वहाँ पर मौजूद ना होने की वजह से, प्रोसेस मुकम्मल ना होने की वजह से ये सूरत हाल इसी तरीके से लिंगर ऑन होती हुई नज़र आ रही है। हैदराबाद की क्या सूरत हाल, इस सवाल से हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब अमीर मोहम्मद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात जो आज मुलतवी हुए और इससे पहले जो बारिशों ने तबाही मचाई, अब ये सूरत हाल कहाँ जाके ठहरती हुई नज़र आएगी? अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनी साहब, हैदराबाद में भी हालिया बारिशों का ये सिलसिला अभी तक जारी है, और जो गुज़िश्ता कई रोज से कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है, तो इस सिलसिले में मनी साहब आज ये है कि बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अपने उरूज पर आ चुकी हैं, पीक पर है ये तबाहकारी। अमीर साहब ये समझाए ना कि अभी फिरदौस शमीन नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह ही रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात का ना होना अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है। सर ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो पा रहे? आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से ये सारा प्रोसेस को मुलतवी कर दिया गया, और लोकल इंतजामिया ने भी इसमें जो रिपोर्ट्स पेश किए
वो तमाम तर फैसला उसकी रोशनी में किया गया। जी मनीष साहब, बल्दियाती इंतखाबात का मुलतवी होना आम लोगों की राय में जो है इंतहाई मुजिर है और ये जमहूरियत के भी बरखिलाफ है। अगर आप शहर के इंतजाम का जायजा लें तो हर शख्स ये कहता दिखाई देता है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अब यहाँ जगह जगह कचरों के अंबार लगे हैं, गटर उबल रहे हैं, नाले उबल रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उन्हें चेक करने वाला नहीं, ना उनके लिए कोई हल ढूंढ रहा है कि भाई कैसे ये इंतजाम होंगे, कैसे सफाई के काम होंगे। तो एक आंख आम लोगों को बंदी थी कि बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने जा रहे हैं तो वो भी सिलसिला जो है अब दूसरे मरहले का मुलतवी होता दिखाई दे रहा है। मुलतवी तो हो चुका अमीर साहब, मुलतवी तो हो चुका ये सिलसिला। और जो कैंडिडेट से जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले ऐलान के बाद से काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, इनफैक्ट इलेक्शन से पहले ही काफी सारे इलाकों में काम होता हुआ नजर आया अपनी मदद आप, अब वो जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बिल्कुल इस बात पे रिलैक्स है कि शायद बल्दियाती इंतखाबात तो न जाने कितने अरसे के लिए मजीद मुलतवी कर दिए गए, तो वो काम धरे का धरा रह गया। फिर वो नुमाइंदे अवामी हुए नहीं तो उनको इस बात की फिक्र भी नहीं और अवाम इस वक्त बेआरो मददगार फिर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीष साहब, बिल्कुल सही कहा, अवाम बेआरो मददगार नजर आती है क्योंकि यहाँ अगर कल मैं आपको अर्ज करूं कि कल एक सूबाई वजीर शहजील मेमन यहाँ हैदराबाद का दौरा करके गए हैं और ये दौरा भी उस सिलसिले की कड़ी था कि अभी कुछ रोज कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को हिदायत जारी की थी कि वो बारिश के दौरान जो मसाइल पैदा हुए हैं कचरे के और निकासी आपके सिलसिले के इंतजाम का वो खसूसी जायजा लें और जाती तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करके देखें क्या मसाइल हैं। तो कल यहाँ सूबाई वजीर शहजील मेमन भी हैदराबाद होके गए हैं, वो यहाँ मुतासरा इलाकों का खुद जायजा लेकर गए हैं कि यहाँ कितने मसाइल हैं, जगह जगह गटर उबल रहे हैं। लेकिन अमीर साहब माजद कता कलामी की ये जायजा लेना, ये जायजे लेते रहते हैं, ये जायजा लेना तो हल नहीं होगा, इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर तो हंगामी बुनियादों के ऊपर काम होना चाहिए। जो मेरी इत्तलात है, जो मुझे मनाजिर पेश किए जा रहे हैं उसमें तो जो इंडस्ट्रियल जोन है, जो सनती इलाके हैं वहां के हालात तो बेइंतहा खराब हैं। जो कराची के या हैदराबाद के कारोबारी मराकज हैं वहां पे सड़कें अब देखने को नहीं दिखाई दे रही सर। जी सही कह रहे हैं मनीष साहब आप, इंडस्ट्रियल एरिया का ये हाल है कराची हैदराबाद का के आमोदरफ के रास्ते तो तकरीबन मौतल होके रह गए, वहां कोई रास्ता नहीं है कि मजदूर सबका वहां जा सके, ड्यूटी अटेंड कर सके, इंडस्ट्रियल एरिया को रनअप किया जा सके क्योंकि वहां तमाम चारों तरफ इलाकों में बरसाती पानी जमा हो गया जिनके निकासी आपका कोई भी इंतजाम दिखाई नहीं देता है। तो ये अमीर साहब जरा समझाए ना कि ये पोस्टपोन क्यों किए जा रहे हैं फिर इलेक्शन, जब इतने मसाइल हैं, तमाम तर सूरतेहाल वाज़े है तो फिर ये बल्दियाती इंतखाबात को बार बार मुलतवी करने का जवाब क्या पैदा हो जाता है। जी जी ये असल में अजीब सा मामला है कि पहले इलेक्शन कमीशन बयान जारी कर देता है, प्लानिंग कर लेता है कि इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, उसकी डेट अनाउंस की जाती है और वो डेट फिर एक्सटेंड कर दी जाती है, फिर एक्सटेंड करने के बाद कहा जाता है कि भाई मसाइल हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। तो मसाइल तो इसी बिना पे सर पैदा हो रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होते ही नहीं, अवामी नुमाइंदों को निचली सतह पे इख्तियार मुंतकिल ही नहीं हो पाता है जिसकी वजह से यहाँ इतने सफाई के मसाइल पैदा हो चुके हैं कि अब तो बीमारियों के अंदेशे पैदा होते रहे। मैं आपसे अर्ज करूँ कि यहाँ की मुख्तलिफ आबादियों में जैसे परेडाबाद है, नूरानी बस्ती, वहां तो बाकायदा बीमारियां फूट पड़ी हैं। अल्लाह अकबर, ये बड़ी अफसोसनाक तशवीशनाक बात है। हाँ उन इलाकों में तो अफसरान यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद के सिर्फ शहर के सड़कों का वो मुआयना कर लेते हैं, कल जाकर के बड़ी मुश्किल से उन्होंने परेडाबाद का दौरा किया, विजिट किया और वहां के तो वो हैरान रह गए कि कैसे वहां लोग जी रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सब उसी सिलसिले के कड़ी है कि बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त हो नहीं पा रहे।
अमीर साहब, अमीर साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि इस वक्त जो हमारी सियासी क्यादत है वो क्या सोच रही है, उसका क्या इरादा नजर आता है। एक पहलू, एक थ्योरी ये निकल के सामने आ रही है कि गालिबन जो कराची एन ए 245 की इंतखाबी अमल हुआ, उस अमल में जो कुछ अवाम का रद्द अमल देखा गया, शायद उस रद्द अमल को देखते हुए भी ऐन मुमकिन है कि ये हो सकती है थ्योरी के पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सोचा हो कि शायद इलेक्शंस का ये सही वक्त नहीं है, शायद फिजा इस वक्त उनके फेवर में नजर नहीं आती। आपको लगता है कि ये हो सकता है? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही रिजल्ट पर मेरे ख्याल में पहुंचे हैं मुनीर साहब। असल में NA 245 का रिजल्ट जब से आया है वो तवक्को के खिलाफ था, गालिबन को शर्तों की तवक्को के खिलाफ था वो रिजल्ट। और जब से वो उन्होंने एक सियासी जमात PTI ने वो मार्का जीता है 29,100 वोटों के लीड से, तो फौरन इन्होंने ये फैसला किया कि ये रिजल्ट तो बल्दियाती इलेक्शन में भी आ सकता है, तो उनकी नजर में ऐसा लगा कि ये मौका मुनासिब नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात करा के कोई रिस्क लिया जाए और कराची हैदराबाद की जो वो सीटें हैं किसी और जमात को चली जाएं। तो महज अपनी मोनोपोली कायम रखने के लिए और जबरदस्ती इलेक्शन को जीतने के लिए आम आदमी को दांव पे लगाया जा रहा है, इस तरह इन्हें यह अंदाजा नहीं है कि आम आदमी जो है किन शदीद मुश्किलात से दो चार है। उसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोजगार खत्म हो रहा है इस मौसम की वजह से, पानी जमा हो गया है, कारोबारी मराकज, तजारती मराकज, इंडस्ट्रियल एरियाज, हर तबका, हर शहरी इससे मुतासर है। अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके आपके इस जबरदस्त तज्जिए का। और यकीन तौर पे अगर ये जो सूरत हाल है इसको काबू ना किया गया, अगर हमने यही बात की कि सैलाबी सूरत हाल है, बरसात की सूरत हाल है, तो अगर NA 245 के इंतखाबात हो सकते थे तो बल्दियाती इंतखाबात भी हो सकते थे, अगर NA 245 के नतीज आ सकते थे तो बल्दियाती इंतखाबात के नतीज भी आ सकते थे, और कम से कम उसके बाद किसी जिम्मेदार का तयन तो किया जा सकता था। आज अगर जिम्मेदारी की बात करें तो इस वक्त कराची हैदराबाद सखर पानी में डूबा हुआ नजर आता है। सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आती। यकीन तौर पर अगर ये कहा जाए वसाइल की कमी तो ये जरूर होगी, लेकिन अवाम रिलीफ चाहती हैं, अवाम रिलीफ की मुतलाशी है, और अगर रिलीफ अवाम को उनकी घरों की दहलीज तक पहुंचाना है तो जमहूरियत का असल हुसन जो कि बल्दियाती निज़ाम होता है उसको बहाल करना होगा, उसको उसकी पूरी रूह के साथ बहाल करना होगा, और अगर ये ना हुआ तो अवाम के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। कराची हैदराबाद सक्कर में इस वक्त तमाम सड़कें इशाराएं एक ऐसा मंजर पेश करती हैं कि शायद यहाँ पे मानो कि कभी कोई तामीरी काम हुआ ही ना हो, यहाँ पे कभी कोई सड़कें बनाई ना गई हों, यहाँ के नालों की कभी सफाई ना की गई हो, यहाँ पे निकासी आप का कोई निज़ाम ही ना हो। ये सूरत हाल है मेरे मुल्क के पाकिस्तान की, ये सूरत हाल है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देने वाले शहर है कराची की। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।